प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसिन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंसेज अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम्स। ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम्स इन देयर आर मेनी कंडीशंस अबाउट दिस इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट कंडीशन इन केस ऑफ लेंसेज इज Here, a ray of light from the object parallel to the principal axis, after refraction, what will happen to this light ray? देखिए, according this, we know there are two types of lenses. First, concave lens, convex lens. Second, concave lens. तो first ये condition हर एक lens के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर इफ ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, सेकेंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस व्हाट विल हैपन टू द रिफ्लेक्टेड रेज अकॉर्डिंग टू, प्लीज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस। दिस इज द शेप ऑफ कॉनकेव लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ वन, देर इज एफ टू। वी विल डिस्कस ओनली टू रेज, नॉट इनफाइनाइट रेज। इन प्रीवियस क्लास रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी ऑन लेफ्ट साइड, हियर इज ऑब्जेक्ट विल बी ऑन ऑलवेज इन लेफ्ट साइड। Recall that object side always left। Object को किधर रखना है डायग्राम में? लेफ्ट मतलब इंसिडेंट रेज मिरर और लेंस के केस में किधर से आएगी, तो वो आप लिखिए ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, और तो हमने ये भी डिस्कस किया कि एक किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज स्टार्ट होती है, बट हम इनफाइनाइट रेज यहाँ इंसिडेंट रेज को शो नहीं कर सकते। सो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टू रे रेज इन रे डायग्राम्स। तो फर्स्ट विल बी इट, इट विल बी फर्स्ट एंड इट सेकेंड। आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इट विल डाइवर्ज, रिफ्रेक्टिव रेज डाइवर्ज होगी, बट अपीयर टू मीट ऑन प्रिंसिपल फोकस एफ वन। सो वी कैन से इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, देखिए डायरेक्शन विल ऑल्सो विल बी मेंशन। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ओके एफ वन एफ टू, बट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल बी, इट विल डाइवर्ज एंड इट विल appear या appear to diverge from principal focus। okay, तो यहां conditions में लिख लीजिए it appears to diverge from principal focus, प्रिंसिपल फोकस
एफ इन सेम साइड, सेम साइड, नॉट अपोजिट साइड, सेम साइड. ओके, तो यहां इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एफ वन विल बी ऑन सेम साइड मींस ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट साइड. इन रेज डायग्राम को आप जब हम इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल लेंसेज के केस में स्टडी करेंगे अलग अलग रे डायग्राम, वहां ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मिरर्स के मामले में भी जो रे डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है, और लेंस के मामले में जो रे डायग्राम है ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट कंडीशन हमने स्टडी कर ली है कि अगर एक लाइट रेज इंसिडेंट होगी किसी लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इट अपीयर टू डाइवर्ज. ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एंड इट विल हैपन इन सेम साइड. ओके, सेकेंड कंडीशन को हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ लेंसेज. इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई एक जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आए, इंसिडेंट हो किस पर, लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल इमर्ज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल. रिफ्रेक्शन के बाद ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल समानांतर हो जाएगी. तो वी कैन से दिस इज ए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल इमर्ज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस सेकेंड, इनमें क्या होगा कि अगर एक इंसिडेंट रेज आए कहां पर, कॉनकेव लेंस में, और इट विल बी अपीयर टू मीट ऑन प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, इस कंडीशन में दोनों में सेम है आंसर कि अगर रे प्रिंसिपल फोकस से आए या अपीयर टू इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल फ्रॉम अपीयर टू इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल बी ऑलवेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो ये क्लियर है. इसमें दोनों में यही होगा कि आप ये लिखें कि इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट है. इस केस में भी लिखें कि इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, देन इट विल बी आंसर विल बी देर आर सेम. सो राइट डाउन दिस एंड मेक ए डायग्राम क्लियरली. और कॉनकेव लेंस के कंडीशन में ये डायग्राम बनाए कॉनवेक्स लेंस में, और कॉनकेव के मामले में ये डायग्राम आपको याद रखने हैं. देखिए वहां पर भी आपने कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉनवेक्स मिरर पढ़े थे, तो उनके भी डायग्राम आपको याद रखने चाहिए. सेम सेम है, बट इसमें शाइनिंग सरफेस नहीं है, वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये हम पढ़ रहे हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंडीशंस इन मिरर एंड लेंसेज. सो कंडीशन नंबर थर्ड, इफ यहां लिख देते हैं, चलिए थोड़ा इसको डायग्राम भी मेक के डायग्राम बना के समझा देते हैं इसको. सो कंडीशन नंबर थर्ड, इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट हो रही है ऑन ए लेंस, देन नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंस या डिस्टर्बेंस इट गोइंग पासिंग थ्रू स्ट्रेट. ठीक है, ये गोइंग कैसे जाएगी, सीधी जाएगी. ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर थर्ड याद रखिए. ये रे डायग्राम हम जो इमेज फॉर्मेशन होंगी जब आपकी लेंस की हेल्प से,
उसमें बहुत काम आएगी कि हमें, वहां बताऊंगा आपको कि जो ऑप्टिकल सेंटर से आए तो देखिए ये रे सीधी जानी चाहिए तो सीधी जा रही है, इन केस ऑफ कॉनकेव में ऑल्सो इट विल बी स्ट्रेट पासिंग थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इट गोइंग पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रे, ओके नो को एनी डिस्टर्बेंस इट विल गोइंग थ्रू डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ओके थिन थ्री कंडीशंस इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में ये तीनों कंडीशन हमारे आएगी बार बार, तो यहाँ पर हम इसको वहाँ जब रे डायग्राम बनाएंगे अलग अलग पोजिशन में ऑब्जेक्ट पोजिशन सेम टेबल यहाँ बनानी पड़ेगी अपने को, जैसे मिरर में डायग्राम टेबल बनाई थी कि भाई ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की जो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट है देन इमेज पोजिशन क्या रहेगी और उसकी नेचर और उसकी साइज और नेचर और उसकी पोजिशन को हमें अगर डिफाइन करना है देन वी विल लर्न दीज रे डायग्राम्स रिलेटेड टू लेंसेज, ओके तो ये इनसे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, बिकॉज इससे हमें पता लगेगी जैसे इधर ऑब्जेक्ट है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऑलवेज बी लेफ्ट साइड शो, ये इधर लेफ्ट साइड में तो इमेज फॉर्मेशन होगा जब लेंस के द्वारा, तो इमेज की अगर इमेज मैं यह बात करूं इमेज तो इमेज की जो नेचर क्या होगी और इमेज की साइज का पता लगाना हो और थर्ड इमेज की पोजीशन, इन रे डायग्राम से हमें ये चीजें इमेज के बारे में पता लगेगी कि इमेज की नेचर क्या होगी कैसी होगी वर्चुअल होगी वही वापस रिपीट हो रहा है अपना पिछली जो मिरर वाले कंडीशन में कि इफ इट विल बी वर्चुअल और रियल साइज मिनिमाइज और मैग्निफाइड और पोजीशन वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल फोकस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर on infinite on any other position we will try to recognize the position of and size of nature of the image by the help of the ray diagrams using ray diagrams in diagrams ko padhne se hame pata lagega ki uski position kya rahegi aur light rays ka refraction ke baad kya hoga wo टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी स्ट्रेट जाएगी या नॉर्मल से आउटवर्ड यानी दूर होगी, ये सब हमें पता लगेगा रे डायग्राम की हेल्प से, जैसे हमें वहाँ मिरर्स में रे डायग्राम पढ़े थे वैसे के वैसे सेम टू सेम। देखिए ये कंडीशन जिस कंडीशन को आपको एग्जाम में पूछे जैसे ई पे रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों की लिखनी पड़ेगी, अगर एक की पूछे तो इनकेस ऑफ कौन वेक्स लेंस की पूछे इस कंडीशन में तो इसका आंसर विल बी इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन गोइंग पासिंग स्ट्रेट लाइन, और अगर इसी रे कंडीशन में कॉनकेव के लिए पूछे तो वहां पर भी आपको ये इस लाइन आंसर में ये लाइन लिखनी है कि इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, ये किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस के वो सीधी जाएगी, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, तो ये थ्री इन कंडीशन है इनको अच्छा याद करें और हम इसको अपने जो अगला इमेज फॉर्मेशन के बारे में जो रे डायग्राम रहेंगे अलग अलग लेंस के और ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ है इनफाइनाइट पे है या बिटवीन इनफाइनाइट एंड प्रिंसिपल फोकस और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस प्रिंसिपल फोकस और ऑन प्रिंसिपल फोकस, अलग अलग कंडीशन में उसकी इमेज फॉर्मेशन और उनकी नेचर ऑफ इमेज साइज एंड पोजीशन का हम ऑब्जेक्ट की इमेज का पता करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो खुश रहिए पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।